हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मैट में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हीट वेव्स के ऊपर। सो शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हीट वेव्स इन इंडिया, राइट। तो जब हम कॉजेज की बात करते हैं, वी विल डिस्कस मेनली द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव, ठीक है। और ऑब्वियसली इंडिया में हो या कहीं भी और हो दुनिया में, सेम ही रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स जो इंटेंसिफाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं हीट वेव्स की। सो दैट इज़ व्हाट ऑल वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉजेज। देन द सेकेंड इज़ व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट्स टू डील विद हीट वेव्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर्स जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, हम दोनों मेजर्स करेंगे डिस्कस। एक होगा कि हीट वेव से कैसे हम एक्सपोजर कम कर सकते हैं, वो होगा कि जो लोग है डेली वेज लेबरर्स हैं उनको अवॉइड करें वो धूप में जाना, स्कूल के जो टाइमिंग्स है वो कम हो जाए, टाइमली वार्निंग्स दी जाए IMD के द्वारा ताकि लोग बाहर ना जाएं अनलेस इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स, हाउ टू अवॉइड द एक्सपोजर। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वंस द एक्सपोजर इज़ डन, ठीक है, तो कैसे, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ठीक है, दे हैव टू यू नो रोम अराउंड, एंड वॉट इफ दे आर एक्सपोज, है ना, उनको हीट सनस्ट्रोक हो जाए तो उनको कैसे डील करना है, ठीक है। और ये होगा ही, वंस हीट वेव लाइक कंडीशंस आर परसिस्टेंट इन द सिटी देयर विल बी विक्टिम्स ऑफ द सेम। तो वो दोनों मेजर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यू नो दिस इज व्हाट द मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो क्या मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, वो हम डिस्कस करेंगे दोनों एस्पेक्ट से। एंड सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन विच वी विल डिस्कस। सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले हम डिफाइन करेंगे हीट वेव है क्या, ठीक है, और उसके बाद कितनी ज़्यादा सीरियस है ये प्रॉब्लम। तो इसमें मैंने काफ़ी फैक्ट्स कोट किए हैं, यू कैन ऑब्वियसली कट डाउन ऑन द फैक्ट्स, जो आपको याद रहे आप वही कोट करें। अगर हम डेफिनेशन की बात भी करें तो एक जो इंडिया में डेफिनेशन है और एक जो WMO की डेफिनेशन है, वी हैव कोटेड बोथ ऑफ देम, राइट। देन कॉजेज़ में लाइक आई हैव एक्सप्लेन कि हम फॉर्मेशन और जो चीज़ें इंटेंसिफाई करती हैं और फ्रीक्वेंट करती हैं हीट वेव्स को, दोनों वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेजर्स में लाइक आई सेड मेजर्स बताएंगे आपके एक्सपोजर कैसे अवॉइड किया जाए, और एक बार एक्सपोजर हो जाए तो क्या मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, उसके लिए भी गवर्नमेंट को तैयार रहना होगा। वे फॉरवर्ड में हम इनोवेटिव या लॉन्ग टर्म मेजर्स बता सकते हैं कि कैसे हीट वेव को हम कम्बैट करें। एंड फाइनली कंक्लूजन में यू कैन एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज बाय विच यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट हीट वेव, इट इज़ अ पीरियड ऑफ अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स, तो कंपैरिजन होगा किसी से, तो कंपैरिजन किससे है, जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा, राइट। सो दैट सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इट इज़ मोर कॉमन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स इन द साउथर्न स्टेट्स लाइक तेलंगाना एंड आंध्रा, राइट। सो हीट वेव तब डिक्लेयर होती है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स एट 45 डिग्री सेल्सियस एंड अबव फॉर 2 days रनिंग। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ हाउ इन इंडिया वी डिक्लेयर अ हीट वेव, कि जब 45 डिग्री से ज़्यादा हो और दो दिनों के लिए कंसेक्यूटिवली हो। और सिवियर हीट वेव हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर 47 डिग्रीज टच करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट WMO, तो वो एक जेनरिक डेफिनेशन देंगे। वो जेनरिक डेफिनेशन ये है कि जब टेम्परेचर 5 से ज़्यादा दिनों के लिए एक्सीड करे बाय 5 degrees Celsius, ठीक है, दैट इज़ व्हेन WMO कॉल्स इट एज अ हीट वेव, राइट। सो इंडिया की बात करें, हीट वेव्स टिपिकली अकर बिटवीन मार्च एंड जून एंड इन सम रेयर केसेस एक्सटेंड अंटिल जुलाई, मोस्टली कन्फाइंड टू नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। ओके, सो अनदर थिंग इज़ दैट दे हैव बिकम इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट ओवर द लास्ट ईयर्स। ये भी आपको चीज़ बतानी ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आर बिकमिंग इवन मोर फ्रीक्वेंट। तो सिंस 2004 द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड 11 ऑफ द 15 वार्मेस्ट ईयर्स। तो जब भी आप ऐसी कोई एक लाइन बताते हैं ना कि ओके हीट वेव्स फ्रीक्वेंट हो गई हैं, हीट वेव्स क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रीक्वेंट हो गई हैं, सो ट्राई टू कोट अ फैक्ट टू यू नो जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। इट इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेबल।
सो दी कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड 11 ऑफ द 15 वार्मेस्ट ईयर्स, और जो लास्ट ईयर था दैट इज़ 2018, इट वॉज द सिक्स वार्मेस्ट ईयर सिंस 1901. हम इसलिए कोट करते हैं बिकॉज दैट इज़ द ईयर जब से वेदर रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना स्टार्ट हुआ देश में. ठीक है, सो इट वॉज द सिक्स वार्मेस्ट ईयर. उसके बाद दिस ईयर दैट इज़ इन 2019, 11 ऑफ द 15 हॉटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड वर लोकेटेड इन इंडिया. तो दुनिया में जो 15 सबसे ज़्यादा गर्म जगहें हैं उनमें से 11 इंडिया में थी और जो रेस्ट वर इन नेबरिंग पाकिस्तान. ठीक है, सो दिस वॉज रिपोर्टेड बाय अ वेदर मॉनिटरिंग वेबसाइट. ठीक है, और ऑल्सो दिस ईयर द हीट वेव स्पेल हैज़ ऑलरेडी स्ट्रेच्ड फॉर 32 डेज. ठीक है, तो ड्यूरेशन भी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है हीट वेव्स की, के हर साल होती हैं. उसके बाद जो ड्यूरेशन है हीट वेव्स की वो भी बढ़ गई है. ठीक है, सो दोनों चीज़ें आप इसमें कोट कर सकते हैं. उसके बाद अनदर थिंग विच यू कैन से और टेल अबाउट इन यू नो इन केस ऑफ हीट वेव्स इज़ कि जो ह्यूमिडिटी है विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन आर कंट्री बिकॉज ऑफ मॉनसूनस एंड अगर कोस्टल रीजन्स हैं तो इट वुड बी देयर. उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स है ना दैट इज़ इंक्रीज्ड. जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी यू नो आर्बिट्ररी एग्जाम्पल जस्ट टू गेट थिंग्स यू नो सिंपल एंड लूसिड, कि अगर सपोज करो टेम्परेचर 36 डिग्रीज है और ह्यूमिडिटी 100 है, 100% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो आपको जो टेम्परेचर है ना वो 50 डिग्री से ज़्यादा फील होगा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट है ह्यूमिडिटी का ऑन द टेम्परेचर विच इज़ बीइंग फेल्ट बाय द ह्यूमन बीइंग्स. सो एक्सट्रीम हीट कैन लीड टू डेंजरस इवन डेडली कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग हीट स्ट्रेस एंड हीट स्ट्रोक. तो अब अगर आपको ये भी आपसे प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी बताना है तो हम हीट इंडेक्स वैल्यूज़ यूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट इट रियली फील्स व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ फैक्टर्ड इन विद द एक्चुअल एयर टेम्परेचर. तो जैसे मैंने बोला 36 डिग्रीज है लेकिन अगर ह्यूमिडिटी 100% है तो इट विल फील लाइक 52 डिग्रीज. तो उसको मेजर करने के लिए वी हैव हीट इंडेक्स कि ये 52 डिग्रीज फील हो रहा है तो ये कौन बता रहा है, ये हमें हीट इंडेक्स बता रहा है. तो इफ़ यू सर्च और गूगल तो आपको पता चल जाएगा हीट इंडेक्स के बारे में भी. तो जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है दे हैव सजेस्टेड दैट इंडिया पुट इन अ प्लान टू टैकल हीट वेव्स दैट आर कॉस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइफ एवरी ईयर. सो इफ यू से सिंस 2010 मोर देन 6,000 पीपल हैव डाइड इन द हीट वेव्स इन द कंट्री. सो इट वॉज रिपोर्टेड बाय द लोकसभा बाय द हेल्थ मिनिस्टर. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो कोट दिस फैक्ट कि कितना सीरियस है हीट इंडेक्स वैल्यू के बारे में. जस्ट यू कैन कोट इन वन लाइन. ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स. वेन यू राइट डाउन द आंसर ऑब्वियसली आप इतना बड़ा एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप 2-3 लाइनों में इसको समराइज करके लिख दोगे. ठीक है, उसके बाद अगेन कॉजेज की अगर मैं बात करूँ, कॉजेज में पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होती है. सो अ हीट वेव अकर्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर मूव्स इनटू एन एरिया. तो ये जो हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये इंडिया में समर्स में आता है बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम्स. ठीक है, सो जेट स्ट्रीम्स फॉलो द सन, तो उस वजह से ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसका एग्जैक्ट फिनोमिनन. ठीक है, बट द आइडिया इज इट स्टार्ट्स व्हेन द हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर मूव्स इनटू द एरिया एंड दैट हैपन्स ड्यूरिंग द समर. ठीक है, अब हाई प्रेशर एरिया आ गया तो एयर नहीं आ सकती. ठीक है, एक बार हाई प्रेशर सिस्टम में ये होगा कि एयर फ्रॉम द अपर लेवल्स ऑफ द एटमोसफेयर विल कम इन टू दैट एरिया. है ना, हाई प्रेशर है क्योंकि तो एयर होगी वहाँ पे ज़्यादा, और एयर कहाँ से आ रही है, अपर लेवल से. अब लेकिन एयर अपर लेवल से आ रही है, अपर लेवल में नॉर्मली ठंडी होती है, लेकिन जब वो नीचे आती है इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इट इंक्रीजेज इन टेम्परेचर. सो दिस इज़ हाउ वंस एयर प्रेशर मूव्स इन टू एन एरिया. ठीक है, एक बार आ गया ये, उसके बाद अब वंस एन एयर प्रेशर इज इन एरिया तो क्या होगा कि दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर दी अदर वेदर सिस्टम्स टू मूव इन टू द एरिया, जिसकी वजह से जो हीट वेव है इट कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज, 2 वीक्स, बिकॉज जो एयर आई है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी एंड दैट विल इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, सो द लॉन्गर द सिस्टम स्टेज द हॉटर द एरिया बिकम्स, द ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव्स इज इंक्रीज्ड. सो द हाई प्रेशर इनहिबिट्स विंड्स मेकिंग देम फेंट टू नॉन एग्जिस्टेंट. ठीक है, तो और उसके बाद जो क्लाउड्स भी नहीं होते हैं इस वजह से सनलाइट ऑल्सो बिकम्स मोर पनिशिंग, हीटिंग अप द सिस्टम इवन मोर. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स सम टुगेदर टू क्रिएट एक्सेप्शनली हॉट टेम्परेचर्स वी कॉल अ हीट वेव. यू नो इवन इन एग्जाम यू कैन एक्चुअली फॉर्म अ फ्लो चार्ट कि हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर
आता है, इट विल लास्ट फॉर सेवरल डेज, इट विल नॉट अलाउ द एयर और द विंड्स टू कम इन, नॉट अलाउ द क्लाउड्स टू कम इन. तो ऐसे ऐसे आप फ्लो चार्ट बना के यू कैन राइट द इफेक्ट उसका योगा. सो दिस इज ऑल्सो अ वे जस्ट टू कट डाउन ऑन योर वर्ड लिमिट्स एंड एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा अपीलिंग बनाने के लिए. उसके बाद जो सिंकिंग एयर है विच इज़ एसोसिएटेड विद एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, इट ट्रैप्स दी हीट नियर द सर्फेस. ठीक है, उसके बाद हीट ट्रैप होती है तो एक और कंसर्न है कि हीट एग्जॉशन तो रियल होगी, हीट से जो इफेक्ट्स आएंगे वो तो होंगे, बट ऑल्सो ऑफ द एयर क्वालिटी. द हीट वेव कंडीशन कपल्ड विद वॉट वी कॉल एन एटमोस्फेरिक इन्वर्जन ट्रैप्स पोल्यूशन नियर द सर्फेस. ठीक है, विच पोल्यूशन वुड बी गोइंग अप हायर, तो उसको वहीं पर ट्रैप कर लेता है. तो हीट तो ट्रैप कर ही रहा है, पल्यूशन भी ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से पल्यूशन स्टेज इन दैट एरिया फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से पल्यूशन के भी इफेक्ट्स दिखते हैं. ठीक है, लोगों के ऊपर तो पल्यूशन के भी इफेक्ट्स होंगे. ठीक है, सो दिस इज़ अ डोम विच इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, इसको भी आप कहते हो हीटवेव डोम के नाम से जानते हो कि सारी एयर यहीं पर है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद अगर हम बाकी कॉजेज़ देखें, सो दीज आर नॉट रियली कॉजेज, दीज आर समथिंग विच एग्रोवेट्स द हीट वेव्स. ठीक है, जैसे कि ट्री कवर कम है, ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन है, फिर रिडक्शन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, वेटलैंड्स. ठीक है, सो लेक्स हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर इन द सराउंडिंग एरियाज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एल नीनो की वजह से. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच हैव इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी और द इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स, नॉट पर से कॉजिंग द हीट वेव्स. ठीक है, उसके बाद मेजर्स की बात करें, देखो मेनी स्टेट्स आर इन इफेक्टेड. ठीक है, लाइक द स्टेट ऑफ आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ रीजन, बिहार, झारखंड, दिल्ली. सो यू कैन ऑल्सो कोट के चुरू इन राजस्थान इज यू नो सिजलिंग एट दिस टेम्परेचर. ठीक है, 52 हो गया है, तो वो भी आप एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हो. उसके बाद एक और चीज़ है कि मेजर्स हमें किस डायरेक्शन में लेने चाहिए. कुछ पॉपुलेशंस होंगी हमेशा वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगी. डिजास्टर मैनेजमेंट में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यू हैव to write about the populations which are more vulnerable than the others. ठीक है, so heat wave की अगर हम बात करें तो rural population makes India vulnerable to heat waves, except that heat stress there. उसके बाद अगर हम urban areas की बात करें, you have vegetable vendors, auto repair mechanics, cab drivers, construction workers, police personnel, roadside kiosk. ठीक है, weaker sections of the society, they have to work in the extreme heat to make their ends meet and are extremely vulnerable to the adverse effects such as dehydration, heat and sun strokes. Okay, so this is the vulnerable population. So these workers, homeless people, elderly constitute the majority of heat wave casualties in India. सो वी नीड टू हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव हीट प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स. ठीक है, तो आपको प्रिपेयर भी करना है कि हीट वेव तो होगी ही हर साल, लेकिन आप कैसे उसको कम करेंगे, आपकी आप खुद के ऊपर कैसे इफेक्ट कम करोगे उसका, और इफ़ यू आर एक्सपोज टू दैट तो रिस्पॉन्स क्या होगा. सो इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी. इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, और जो लोकल अथॉरिटीज है दे कैन कैरी आउट अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एरियाज जहां पर ये वनरेबल लोग हैं. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द मेजर्स, ठीक है, मेजर्स वुड बी टाइमली वार्निंग्स बाय IMD अबाउट अ पॉसिबल स्पाइक इन टेम्परेचर्स टू अलर्ट द पीपल इन एडवांस. सो दिस कुड बी डन इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अथॉरिटीज एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज. ठीक है, सो कलर कोडिंग हीट अलर्ट्स कैन बी यूज. ठीक है, देन यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स टू द पीपल. ठीक है, ये तो हो गया अलर्ट, अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को बताना. उसके बाद अगर हम बात करें कि पाइप्ड वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग टू हाउसहोल्ड्स एज वेल प्लेसेस लाइक स्कूल्स, वर्किंग प्लेसेस, इवन पब्लिक प्लेसेस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जनरल पब्लिक. सो इन आर सिटी वी हैव सीन दैट पुलिस इज स्टैंडिंग, यू नो ट्रैफिक पुलिस इज स्टैंडिंग एट वेरियस ट्रैफिक पॉइंट्स, जो चोक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे. तो सो देयर इज अ कार विद यू नो कोल्ड वाटर दैट इज गोइंग अराउंड टू सप्लाई वाटर टू देम. सो दिस कुड ऑल्सो बी अ मेजर. ठीक है, उसके बाद लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ आप कोऑर्डिनेशन में बनाओगे कि कैसे हम मैनेज करेंगे. उसके बाद प्रोवाइडिंग क्विक ट्रीटमेंट टू द इफेक्टेड एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कीपिंग आइस पैक्स इन स्टोर फॉर क्विक रिलीफ, राइट. फिर एडजस्टमेंट इन द टाइमिंग्स ऑफ स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस कि धूप में ना आए. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव टेम्परेचर्स एडवर्स हो जाते हैं, सिवेयर हो जाते हैं, तो यू कैन एक्चुअली क्लोज द स्कूल्स डाउन.
फाइनली अ विजिलेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बार आप इम्प्लीमेंट कर देते हो, उसके बाद आप उसको मॉनिटर कर रहे हो कि ठीक हो रहा है सब कुछ, उसको रिव्यू कर रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. देन द मेजर्स आर लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. ठीक है, उनको भी ट्रेन करना और एडुकेट कैपेसिटी देना ताकि वो रिस्पॉन्ड कर पाएँ. ठीक है, सो दिस शुड इन्वॉल्व मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ स्टाफ, सो दैट दे कैन कलेक्टिवली प्रिवेंट एंड मैनेज यू नो दीज इलनेसेस टू रिड्यूस मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी. ठीक है, सो ये मेजर्स हैं. उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप लॉन्ग टर्म एफर्ट्स बता सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन कवर इंक्रीज कर सकते हो, बेटर डिजाइंड बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल दैट विच वुड हेल्प इन द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ताकि इफेक्ट कम हो जाए थोड़ा सा. सो दिस वुड गो अ लॉन्ग वे टू डील विथ heat wave and reduce human impact. And finally, you can conclude saying a study by Indian Institute of Technology, the frequency of severe heat waves in India will increase 30-fold by 2100 under 2 degree warming scenario. तो जो हम कह रहे हैं कि 2 degree से हम कम करेंगे या 2 degree पे हम रुक जाएंगे, तो उस केस में जो heat waves हैं, severe heat waves, वो 30-fold increase करेंगे. So obviously, जो हमें measures लेने बहुत ज़रूरी हैं, heat wave frequency might increase 75-fold, frequency इतनी इंक्रीज करेगी. ठीक है, सो वी नीड टू टेक मेजर्स. ठीक है, साइलेंट डिजास्टर बोला जाता है हीट वेव को, क्योंकि अगर हम दूसरे डिजास्टर से इसको कंपेयर करें, लेट्स से सुनामी आ गई, तो आपको पता होता है कितने लोग मरे हैं ना इसमें. वी डोंट नो दैट वेदर पीपल हैव डाइड ड्यू टू हीट वेव और सम अदर इशू. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि स्लोली ये डेवलप होता है और एनिमल्स को इंजर करता है, ह्यूमन को इंजर करता है, एंड लाइक अदर डिजास्टर्स. ठीक है, हेंस मेजर्स हैव टू बी टेकन एंड टेकन फास्ट टू मिनिमाइज द डेथ्स एंड डैमेज विच आर कॉज्ड बाय द हीट वेव्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर हीट waves का question. It has been a very comprehensive question, so that in case any question comes, you can attempt that, right? So thank you.